नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हत्या लूट सहित दर्जनों कांडों में फरार अपराधी कारू यादव गिरफ्तार, हथियार हुआ बरामद। इसाकचक पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में कोरेस कप सिरप के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। शहर में अपराधी हुए बेखौफ, ट्रेन पकड़ने स्टेशन जा रहे युवक के साथ हथियार के बल बदमाशों ने की लूटपाट। 19 जनवरी को बनने वाले मानव श्रृंखला को लेकर जिले भर में निकाली गई जागरूकता रैली, सहायक जिलाधिकारी ने बाइक रैली का किया नेतृत्व। और बिहार गृह रक्षा वाहिनी का चुनाव शांतिपूर्ण हुआ संपन्न, जिले के 907 होमगार्ड जवानों ने डाले वोट। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर पुलिस ने कुख्यात अपराधी कारू यादव को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधी पर शहर के विभिन्न थानों में एक दर्जन से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं। सोमवार को सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पकड़े गए अपराधी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। डीएसपी ने कहा कि कारू यादव कुख्यात अपराधी अभय यादव का भाई है, जिसे पुलिस ने कुछ दिन पहले गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। डीएसपी ने कहा कि कारू यादव पर हत्या, लूट, रंगदारी के एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। रविवार को इसाकचक थाना पुलिस ने मधु चौक बरारी के पास से अपराधी कारू यादव को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान अपराधी के पास से एक पिस्टौल, एक गोली और मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस कारू यादव से पूछताछ में जुटी है। और इसका भाई अभय यादव पिछले दिनों गिरफ्तार कर पुलिस के द्वारा जेल भेजा गया था। ये दोनों लोग मर्डर, हत्या, डकैती और रंगदारी के मामलों में लगातार इन्वॉल्व रहे हैं। कारू यादव की बहुत सारी शिकायतें थी, तो मधु चौक से एक पिस्तौल, एक गोली और एक मोटरसाइकिल के साथ इसाकचक थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में इसकी गिरफ्तारी हुई है और करीब दर्जन भर मामलों में इसकी संलिप्तता पाई गई है। भागलपुर इसाकचक थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित कोरेक्स कप सिरप के साथ रंगे हाथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए युवक के पास से पुलिस ने 732 बोतल प्रतिबंधित कप सिरप बरामद किया है। सोमवार को सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की विस्तार से जानकारी दी। डीएसपी ने कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद नशे के रूप में कप सिरप का प्रचलन काफी बढ़ गया है, जिसको लेकर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। डीएसपी ने कहा कि भिकनपुर गुमटी नंबर 2 सब्जी मंडी स्थित झोपड़पट्टी से इसाकचक पुलिस ने छट्टू रविदास को प्रतिबंधित कप सिरप बेचते रंगे हाथ दबोच लिया। डीएसपी ने कहा कि ड्रग इंस्पेक्टर के साथ तालमेल कर प्रतिबंधित दवा बेचने वाले के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। वहीं उन्होंने पकड़े गए आरोपी से पूछताछ करने की बात कही। प्रतिबंधित कप सिरप 701 बोतल के साथ छोटू रविदास, जो भिकनपुर गुमटी नंबर 2 का रहने वाला है, झोपड़पट्टी में एक झोपड़ी है इसकी, उसी में से पकड़ा गया है और कप सिरप के साथ उसे इसाकचक थाना के द्वारा गिरफ्तार किया है। इन दिनों जिले में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। अपराधी लूटपाट और छिनतई की घटना को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं। सोमवार की सुबह नाथनगर निवासी धीरज कुमार इंटरसिटी ट्रेन पकड़ने नाथनगर रेलवे स्टेशन जा रहा था। उसी दौरान बालिका उच्च विद्यालय के समीप तीन बदमाशों ने हथियार के बल पर धीरज से 8,000 रुपये लूट लिया, जिसके बाद बदमाशों ने धीरज से मोबाइल छीनने का प्रयास किया। तभी पीड़ित युवक किसी तरह शोर मचाते हुए रेलवे स्टेशन की ओर भागने लगा। वहीं सामने से कुछ लोगों को आता देख तीनों बदमाश भाग गया, जिसके बाद पीड़ित धीरज के भाई और स्थानीय लोगों ने रामवती कन्या स्कूल के समीप एक बदमाश को दबोच लिया, जबकि दो बदमाश हथियार लहराते भागने में सफल हो गया। पकड़े गए बदमाश की पहचान किशनपुर निवासी सिकंदर कुमार के रूप में हुई है। वहीं मधुसूदनपुर पुलिस आरोपी बदमाश से पूछताछ में जुट गई है। पीछे तीन आग लड़का के मुझे पिस्टल सटा दिया, पिस्टल को, और उसके बाद पैसा मांगने लगा और गाली गलौज करने लगा। तो जब पैसा नहीं दिए तो वो अपने आप मेरे पैकेट से, एक लड़का उसमें से निकाल लिया मेरे पैकेट से। और जब मोबाइल मांगने लगा, तो जब मोबाइल छीनने की कोशिश करने लगा, तो हम उसमें से एक लड़के को धक्का दे के उसके बाद हम वहाँ से स्टेशन की तरफ भागे। जब स्टेशन की तरफ से कुछ लोग आ रहे थे, जब मेरी आवाज़ को उन्होंने सुना तो वो तीनों लड़का फिर पीछे भागने लगा। 19 जनवरी को पूरे बिहार में बनने वाले मानव श्रृंखला की तैयारी जोर शोर से चल रही है।
सोमवार को जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय में मानव श्रृंखला की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सहायक जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने की। बैठक में जोनल सेक्टर पदाधिकारी जीविका एवं आंगनवाड़ी की सेविका मौजूद थी। इस दौरान सहायक जिलाधिकारी ने चल रही तैयारियों की समीक्षा की और आम लोगों से संवाद स्थापित कर मानव श्रृंखला की कड़ी बनने के लिए लोगों को प्रेरित करने की बात कही। जिसके बाद सहायक जिलाधिकारी के नेतृत्व में जगदीशपुर से बलवाचक तक बाइक रैली निकाली गई। साथ ही मानव श्रृंखला के लिए मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया। उनसे बैठक की गई है, समीक्षा की गई है तैयारी को लेकर के। तैयारी संतोषजनक तरीके से चल रही है और कार्यक्रमों में एक हफ्ते तक और तेजी लाएंगे हम लोग। और उसी के तहत आज अभी एक डेमो मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया प्रखंड कार्यालय के सामने और अब बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ भागलपुर इकाई का चुनाव सोमवार को सैंडिस कंपाउंड मैदान में शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उप सचिव और कार्यालय सचिव पद के लिए 20 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें उप सचिव का एक पद और संगठन सचिव का 4 पद के लिए 5 प्रत्याशी चुनाव से पूर्व निर्विरोध चुन लिए गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए कुल 9 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद के 2 दावेदार मैदान में हैं, जबकि सचिव पद पर 3 और कोषाध्यक्ष के पद पर 2 प्रत्याशी मैदान में डटे हैं। चुनाव में कुल 907 होमगार्ड जवानों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव की सारी प्रक्रिया केंद्रीय चुनाव कमेटी की देखरेख में संपन्न हुई। वहीं चुनाव समाप्ति के बाद देर शाम से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी हां, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, सीबीएसई कॉरिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, जीछो बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे। और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में सोमवार को जिले के विभिन्न थानों में शराबबंदी के बाद जब्त किए गए वाहनों की नीलामी की गई, जिसमें 44 वाहनों की नीलामी होनी थी, लेकिन सिंगल वीड रहने के कारण महज 10 गाड़ियों की नीलामी हुई, जिसको वाहन मालिकों के बीच हस्तांतरित कर दिया गया। उत्पाद अधीक्षक उमाशंकर सिंह ने बताया कि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत जब्त किए गए वाहनों की नीलामी की गई है। उन्होंने कहा कि बाकी बचे 34 गाड़ियों की नीलामी 20 जनवरी एवं 27 जनवरी को होगी। विभिन्न वादों में अधिहरित वाहनों की जो शराबबंदी कानून के बाद जब्त हुई थी, उसमें 44 वाहनों की आज नीलामी थी। 44 वाहनों में 12 वाहनों पर लोगों ने फॉर्म डाला था, जिसमें 2 वाहनों की जो है सिंगल वीड होने के कारण उसको पदाधिकारी ने नहीं किया है, जो अगले डेट में की जाएगी। 10 वाहनों की नीलामी आज यहाँ पे की गई है, जो सफल रही। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 19 जनवरी को बनने वाले मानव श्रृंखला को लेकर सोमवार को ताड़र कॉलेज परिसर से पद यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व ताड़र कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह एवं सनहौला वीडियो अरविंद कुमार ने किया। इस दौरान पदयात्रा में शामिल छात्र छात्राओं ने पूरे गांव का भ्रमण करते हुए मानव श्रृंखला में अपनी भूमिका निभाने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया। साथ ही छात्रों ने ग्रामीणों से अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने की अपील की। वहीं दूसरी ओर मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए सनहौला थाना परिसर में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। पदयात्रा में कॉलेज कर्मी, शिक्षक एवं काफी संख्या में छात्र मौजूद थे। भागलपुर स्टेशन चौक पर सोमवार को एनआरसी, एनपीआर और सीएए के विरोध में हम भारत के लोग की ओर से एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपवास के दौरान लोगों ने एनआरसी, एनपीआर और सीएए को वापस लेने की मांग केंद्र सरकार से की। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू कानून अखंड भारत के लिए खतरा है। देश में जो एक विभाजन का जो मानसिकता तैयार किया जा रहा है, उसके खिलाफ है। और छात्रों को, देश भर में जो छात्र इस सवाल को उठा रहे हैं,
ये कानून सही नहीं है। मकर संक्रांति 15 जनवरी को है, ऐसे में बाजार लाई तिलकुट चूड़ा एवं गुड़ से सज गया है। शहर की फिजा में तिलकुट की सौंधी खुशबू घुल गई है। बाजार में लोग मकर संक्रांति से जुड़े सामानों की खरीदारी में जुट गए हैं। खरीदारी के लिए दुकानों पर सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ पहुंच रही है। बाजार में तिलकुट की कई वैरायटी उपलब्ध हैं, जो 200 रुपए किलो से लेकर 350 रुपए किलो तक बिक रही है। धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण त्यौहार मकर संक्रांति के लिए ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र में भी महिलाएं सप्ताह भर पहले से इसकी तैयारी शुरू कर देती है। हम अपना कारीगर को रखे हुए हैं, बहुत बढ़िया तिलकुट एकदम सस्ता तिलकुट एकदम बनवा रहे हैं, तो मेरे पास कारीगर चाह के भी आ रहे हैं, जो एक बार लेके जा रहा है वो बार बार आ रहा है मेरे पास। 19 जनवरी को बनने वाले मानव श्रृंखला को लेकर सोमवार को नाथनगर प्रखंड परिसर से जागरूकता मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली प्रखंड परिसर से निकलकर नूरपुर और रामपुर होते हुए वापस प्रखंड परिसर आकर संपन्न हुई। रैली का नेतृत्व वीडियो राकेश कुमार ने किया। रैली में काफी संख्या में प्रखंड के कर्मचारी तथा शिक्षकों ने भाग लिया। इस दौरान वीडियो ने बताया कि जल जीवन हरियाली को लेकर सरकार ने 19 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाने का निर्देश जारी किया है, जिसके लिए सभी को जागरूक होने की जरूरत है। मौके पर प्रमुख प्रतिनिधि पप्पू यादव, प्रभाकर कुमार, मोहम्मद आजाद सहित काफी संख्या में कर्मचारी व शिक्षक मौजूद थे। 19 तारीख को 11:30 से 12 बजे के बीच दहेज प्रथा उन्मूलन, बाद बाल विवाह उन्मूलन एवं जल जीवन हरियाली को लेकर के व्यापक पैमाने पर नाथनगर प्रखंड अंतर्गत 25 किलोमीटर में मानव श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आम सभी जनों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उनको कन्विंस करने हेतु, उनमें जागरूकता लाने हेतु आज की यह बाइक रैली। नागरिकता संशोधन कानून और NRC को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है और लोगों का आक्रोश सड़क पर फूट पड़ा है। सोमवार को भागलपुर के गोराडी प्रखंड स्थित गरहोतिया गांव से संविधान बचाओ देश बचाओ समिति के बैनर तले आक्रोश मार्च निकाला गया। गरहोतिया हाई स्कूल से निकाली गई जुलूस प्रखंड मुख्यालय गोराडी पहुंचकर संपन्न हुई। मार्च का नेतृत्व जिला परिषद आफ्ताब आलम और अगरपुर मुखिया तनवीर हसन ने की। नागरिकता संशोधन बिल और NRC के विरोध में निकाले गए जुलूस में हजारों की संख्या में गोराडी प्रखंड एवं आसपास के गांव के लोगों ने शिरकत की। वहीं जुलूस की शक्ल में सुबह से ही विभिन्न मुस्लिम मोहल्ले और गांव के लोग हाथों में तिरंगा झंडा, बैनर और स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर NRC और CA के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। सरकार की जानिब से संविधान विरोधी काम किया गया, एक ऐसा कानून लाया गया जो सरासर संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 20 के अगेंस्ट में है, गलत में है। हम लोग आज संविधान बचाने निकले हैं। बांका के पंजवारा थाना क्षेत्र विक्रमपुर मोड़ के समीप सोमवार को थाना अध्यक्ष मुरलीधर शाह ने एक मोटरसाइकिल से भारी मात्रा में देशी शराब बरामद किया है। जानकारी के अनुसार शराब तस्कर झारखंड से गोविंदपुर विक्रमपुर गांव के रास्ते शराब की खेप लेकर बांका आ रहा था। इसी दौरान गश्ती गाड़ी को देखते ही शराब तस्कर भागने लगा। तभी पुलिसकर्मियों ने बाइक का पीछा किया, जहाँ तस्कर गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया। जांच के दौरान मोटरसाइकिल से 58 लीटर देसी शराब बरामद किया गया है। 14 जनवरी से भागलपुर बूढ़ानाथ मंदिर प्रांगण में शुरू होने वाले श्रीमद् भागवत कथा को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। 7 दिन तक चलने वाले भागवत कथा को लेकर मंगलवार को दिन के 11 बजे मंदिर प्रांगण से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर संयोजक समिति के सदस्य मुकेश कुमार सिंह ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में कलश शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील की है। वहीं कथावाचक रविशंकर जी महाराज शाम के 3 बजे से कथा पाठ करेंगे। कल से 14 तारीख से 20 तारीख तक बाबा बूढ़ानाथ मंदिर के परिसर में मां मसानी दरबार के सामने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति के माध्यम से प्रारंभ होने वाली है। कल 11 बजे कलश यात्रा निकलेगी और संध्या 3 बजे से 7 बजे तक ये कथा चलेगी। कल विधिवत 3 बजे से कार्यक्रम का उद्घाटन होगा, जिसमें शहर के सभी गणमान्य प्रतिनिधिगण उसमें उपस्थित रहेंगे और हम शहरवासियों से आग्रह करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे, इस बाबा बूढ़ानाथ के मंदिर प्रांगण में ये भागवत कथा का आयोजन है, आप अधिक से अधिक संख्या में आप यहाँ पर आवें और भागवत कथा में आप आयोजन समिति के नाते भी हम आग्रह करना चाहेंगे शहर के बुद्धिजीवियों से
कि आप इस आयोजन समिति से भी आप जुड़ करके इस आयोजन को सफल बनावे। भागलपुर जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में सैंडिस कंपाउंड क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित भागलपुर जिला बी डिवीजन क्रिकेट लीग का उद्घाटन मैच सोमवार को स्टार 11 सालेपुर एवं माँ क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया, जिसमें माँ क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। खेले गए मैच में स्टार 11 सालेपुर ने माँ क्रिकेट क्लब को 86 रनों से पराजित कर जीत अपने नाम दर्ज किया। मैच में अंपायर की भूमिका धर्मजय और शुभम ने निभाई। मौके पर भागलपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव डॉक्टर आनंद मिश्रा, संयुक्त सचिव सुब्बीर मुखर्जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर जयशंकर ठाकुर, जगदीश शर्मा, गुड्डू पांडे समेत कई खेल प्रेमी मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हत्या लूट सहित दर्जनों कांडों में फरार अपराधी कारू यादव गिरफ्तार, हथियार हुआ बरामद। इसाकचक पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में कोरेस कप सिरप के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। शहर में अपराधी हुए बेखौफ, ट्रेन पकड़ने स्टेशन जा रहे युवक के साथ हथियार के बल बदमाशों ने की लूटपाट। 19 जनवरी को बनने वाले मानव श्रृंखला को लेकर जिले भर में निकाली गई जागरूकता रैली, सहायक जिलाधिकारी ने बाइक रैली का किया नेतृत्व। और बिहार गृह रक्षा वाहिनी का चुनाव शांतिपूर्ण हुआ संपन्न, जिले के 907 होमगार्ड जवानों ने डाले वोट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।